नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली की और जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की क्या पोजीशन होती है और कर्ता होता कौन है। इससे जुड़े जो प्रोविजंस हैं, जैसे कर्ता के पास बहुत सारी वाइड पावर्स होती हैं। कर्ता वो आदमी होता है जो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है टू थर्ड पर्सन, ठीक है। और जनरली जो कर्ता होता है ना, वो घर का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है ना, वो होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी फैमिली है, तो आपकी फैमिली में जो आपका कर्ता है वो आपके फादर है। बेसिकली कर्ता मतलब मुखिया, जो घर का मुखिया होगा, जिसके ऊपर घर के सारे अफेयर्स को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी होगी। अगर जॉइंट फैमिली में, नॉट ओनली न्यूक्लियर फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली में आपके फादर नहीं है, फादर से छोटा भाई है, यानी कि चाचा हैं आपके, तो चाचा, देन योर चाचा बिकम योर कर्ता ऑफ योर फैमिली। अगर वो भी नहीं है, देन द एल्डेस्ट ब्रदर बिकम द यू नो कर्ता ऑफ द फैमिली। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, द सीनियर मोस्ट विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी एंड कंटिन्यू टू बी एज अ कर्ता। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है कि दो बंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अपने आप को कर्ता, तो हम ये समझेंगे कि जो सबसे इनमें सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो ही कर्ता है फैमिली का। एक जूनियर मेल मेंबर भी कर्ता बन सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अदर को पार्सनर उसको एग्री करें। देखिए, एक जॉइंट हिंदू फैमिली में तीन तरह के मेंबर्स होते हैं, एक तो कर्ता, दूसरा को पार्सनर और तीसरा ऑर्डिनरी मेंबर। कोपार्सनर बेसिकली वो होता है जो प्रॉपर्टी का, जिसको बाय बर्थ राइट मिलता है, और कर्ता वो होता है जिसको जो फैमिली के अफेयर्स को मैनेज करता है, ठीक है। और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको ये राइट होता है कि उनका मेंटेनेंस वगैरह ये सब लोग करेंगे, कोपार्सनर जो हैं। अब जो फीमेल्स होती हैं, पहले जब अमेंडमेंट नहीं आया था 2005 वाला, उससे पहले फीमेल कैनॉट बी अ कर्ता। क्यों? क्योंकि जो कर्ता होता है ना, वो बाय बर्थ उसको ये राइट मिलता है कि वो कर्ता बनेगा, यू नो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। बट सिंस आफ्टर द एक्ट ऑफ 2005, अ फीमेल कैन बी अ कोपार्सनर, सी कैन आल्सो बी अ कर्ता, राइट। तो अब फीमेल कर्ता भी हो सकती है और जूनियर मेंबर भी कर्ता हो सकता है, इन केस ऑल द कोपार्सनर एग्री, एंड दिस कैन ओनली बी डन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जनरली हम यही समझेंगे कि जो कर्ता है वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही होता है, ठीक है। कर्ता का मतलब बेसिकली दोस्तों मुखिया होता है, मुखिया, जो घर का मुखिया होता है, ठीक है। मुखिया मींस हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक फैमिली में एक ही कर्ता हो सकता है, एक से ज्यादा कर्ता नहीं हो सकते। जैसे आकाश में एक ही सूरज हो सकता है, उसी तरह किसी जॉइंट हिंदू फैमिली का सिर्फ एक कर्ता हो सकता है। हो सकता है कि बहुत जो कोपार्सनर है वो मिलके किसी प्रॉपर्टी को देख रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उस प्रॉपर्टी को कहीं रिप्रेजेंट करेगा तो वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को कर्ता रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कर्ता होता है ना हिंदू जॉइंट फैमिली में, इसकी पोजीशन हिंदू ज्यूरिसप्रूडेंस में इट्स यूनिक, ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है, ठीक है। ही इज यू नो नॉट ओनली अ मैनेजर ऑफ अ फैमिली बिजनेस, बट ही ऑल्सो लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द फैमिली। उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारी उसके पास जिम्मेदारियां होती हैं। जो फैमिली के मेंबर्स हैं सबका मेंटेनेंस की, सबके खर्चे की, बच्चों की शादी की, सब उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफकोर्स जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब यही है कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जॉइंटली शेयर करेंगे, लेकिन जो बेसिक जो डिसीजन मेकर होगा, जो हेड होगा, वो कर्ता ही होगा। अब जब इतनी सारी पावर कर्ता के पास है कि उसको सब चीज में वही रिप्रेजेंट करेगा, वही सब अवेयर करेगा, उसी की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत वाइड पावर्स हैं कर्ता के पास। अब देखिए, नाउ इफ आई से कर्ता हैज लिमिटेड पावर, देन व्हाट डू यू से? आप कहेंगे कि अभी तो यार ये कह रहा था कि
कर्ता की बहुत वाइड पावर्स हैं, अब ये कह रहा कर्ता की लिमिटेड पावर्स हैं। यस, कर्ता एट द सेम टाइम हैज वेरी लिमिटेड पावर्स। कैसे? कोई भी कोपार्टनर कभी भी कह सकता है आई वॉन्ट पार्टीशन, कर्ता मना नहीं कर सकता कोपार्टनर को। इफ अ कोपार्टनर वॉन्ट्स पार्टीशन, देयर हैज टू बी अ पार्टीशन, पार्टीशन होगा, है ना, फिर वो ज्वाइंट फैमिली ब्रेक हो जाएगी। तो कर्ता की देखिए इतनी वाइड पावर है, और एक कोपार्टनर की पावर ने, राइट टू पार्टीशन ने, वो पावर को लिमिटेड कर दिया। ठीक है, कर्ता ही फैमिली को बाहर के अफेयर्स में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कर्ता ही, कर्ता जो है फैमिली की नीड्स के लिए प्रॉपर्टी को एलिनिएट कर सकता है। कर्ता के पास यू नो ही हैज अ राइट टू यू नो डील अफेयर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो कर्ता की जो पावर ऑफ जो पावर्स हैं और जो कोपार्टनर की पावर है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं कर्ता का कॉन्सेप्ट आपको ईजिएस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में समझा दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।